मलाइका, द वुमन एवरीबॉडी लव्स टू टॉक अबाउट। मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्हें अक्सर किसी न किसी कारण से ट्रोल किया जाता है। उनकी वर्किंग स्टाइल से लेकर रिलेशनशिप तक कई चीजों के लिए मलाइका का बुरी तरह से मजाक बनाया गया है। No, I mean it. Just see the comments below this video एक बार। लेकिन हाल ही में मलाइका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने अपकमिंग शो का एक प्रोमो शेयर किया जिसके जरिए उन्होंने हेटर्स और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। क्या क्या पहनती है, ये सब क्या करती है, कुछ भी करो पीपल टॉक। इतना ही नहीं, मलाइका अपने ट्रोलर्स से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अब वो किसी नई बात पर उनका मजाक ना उड़ाएं। वीडियो में मलाइका ट्रोलर्स से कहती हैं कि एक ऐसी महिला जिनके बारे में बात सभी करना चाहते हैं, कुछ भी करो लोग बात करते हैं। I break up, it's breaking news. I move on, all hell breaks loose. I'm with my partner, I'm troll. मैं ब्रेकअप करती हूँ तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, आगे बढ़ती हूँ अपने पार्टनर के साथ हूँ, मुझे ट्रोल किया जाता है। Take a goddamn walk, I'm trolled. मैं फिर बिकनी पहनूं या गाउन, लोग कहते हैं कि मैं घर पर रहूं। उन सभी चीजों की उम्र नहीं है। जी हाँ, मैं यंग नहीं रही। बिकनी या इवनिंग गाउन, कमेंट्स आते हैं, मैम घर पे रहो ना, ये सब करने की उम्र नहीं है। श्योर, आई एम नॉट गेटिंग एनी यंगर। क्या आप जानते हैं क्या पुराना हो रहा है? ये सभी पुराने कमेंट्स अब मैं आपको मलाइका की रियल लाइफ को और भी करीब से दिखाऊंगी। बट यू नो व्हाट्स गेटिंग रियली ओल्ड, दीस कमेंट्स, दीस सेम ओल्ड रिमार्क्स। मलाइका ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, अगर आपको लगता है कि मैंने खबरों में रहना छोड़ दिया है तो ये रहा मेरी उम्र, आउटफिट्स, लव लाइफ और सभी खबरें। सो आई थॉट आई विल गिव एवरीवन समथिंग न्यू टू टॉक अबाउट। मैं आप सभी के लिए 5 दिसंबर को अपना नया शो मूविंग विद मलाइका लेकर आ रही हूँ। शो यू द रियल मलाइका अप क्लोज। आपको बताएं कि यह चैट शो होगा जिसमें मलाइका के साथ उनकी खास दोस्त फराह खान भी नजर आएंगी। यह शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। मूविंग इन विद मलाइका फ्रॉम 5th दिसंबर ओनली ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। आप सबको पता है कि मलाइका का इन दिनों अर्जुन कपूर के साथ अफेयर चल रहा है। शो यू द रियल मलाइका अप क्लोज। ऐसी ही खबरों के लिए जनता की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।